आंसर और मेंबर पार्लियामेंट क्या हुआ यार, खाट टूटी थी लोकसभा में, क्या हुआ? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दासा जी, पूरा अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारे वरिष्ठ नेता दिलीप कल्ला जी, वर्किंग कमेटी के मेंबर राजीव मीणा जी, मेरा तो आज जाएगा है जी, रमेश गोगरा जी, प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, प्रदेश एनएसएस अध्यक्ष लाला यहा जी, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मोहन प्रकाश जी, तमाम उपस्थित रविंद्र जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण भाई और बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबको राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि कैसा व्यक्तित्व आप देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, जो उनकी फासिस्टी सोच है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी दुखी हो गया है, उन्हें कितने में करने में अंतर है, लंबे चौड़े भाषण देते रहते हैं, देशवासियों को संदेश देते हैं, आप देख रहे हो कि किस प्रकार से धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म होगा देश के अंदर। वोटों का राज है, जो कांग्रेस के आदर जन्म दिया हुआ, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना मुकर्रम आजाद, सोच समझ के देश में लोकतंत्र स्थापित किया, लोकतंत्र समाजवाद गर्मी देश का। दुर्भाग्य से जो आज सरकार बैठे हुए लोग हैं उनका कोई हिसाब नहीं है, ना लोकतंत्र में है, ना धर्मनिरपेक्षता में है, ना समाजवाद में। इसीलिए आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से 70 दिन ज्यादा हो गए किसानों को इस भरी ठंड के अंदर, किसान लोग सीमा में बैठे हुए हैं, दिल्ली सीमा में बैठे हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके किसान, तो सरकार को पड़ रहे इतनी सर्विन सरकार, हमने कोई सोचा भी नहीं होगा देश में अंदर वो लोग आएंगे जो इस प्रकार व्यवहार करेंगे अन्नदाता के साथ, उनको किस प्रकार आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या शब्दों से प्रयोग करते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ इस प्रकार के वक्तव्य देना, प्रधानमंत्री शोभा नहीं देता है। तो देख रहे हो तमाशा, पूरा ग्रुप देख रहा है, वो धीरे धीरे समझ गया है कि नौटंकी चलने वाली नहीं, लंबी चलने कितनी नौटंकी कर लो, झूठ बोल लो, बिना तथ्यों के बात कर लो, लोग याद करते हैं 14 में वादे क्या किए, काला धन लेके आएंगे, वादा भूल गए। क्या क्या कर रहे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, और डिमांड आती नहीं बात, बड़े बड़े आरोप लगाए थे यूपीए गवर्नमेंट पर, अरे वो यूपीए गवर्नमेंट इतिहास बना दिया, देश में खादी सुरक्षा कानून लेके आ गए, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी उस वक्त में, किस प्रकार से राइट टू एजुकेशन क्रांति कार्यक्रम उठाया, उसके कारण जब लॉकडाउन हुआ, अगर देश का मजदूर बचा है, बचा है, धन बचा है, धन बचा। मैंने बड़ी वाली मैंने लगा दी, आज लेके आ गई सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी, दुनिया भर के लोगों ने लगा किस प्रकार से इतना बड़ा फैसला किया है। मैं कहना चाहूंगा कहने को बहुत सारी बातें भी राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि किसानों का भी अध्यक्ष जी बोल रहे थे बट्टा पालसोन में,
लड़ी शेरी थी राहुल जी ने कानून बदल रही थी यूपी गवर्नमेंट का, लड़ी लड़ी गई आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा, वहां से लड़ाई शुरू हुई राहुल जी की इस सरकार के साथ में। राहुल गांधी में दमखम है मोदी का, मोदी की सरकार का मुकाबला करने का, पूरे देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी अटैक करते हैं मोदी जी पर तो पूरी कैबिनेट के मंत्री उठा उतारा जाता है, राज्यों में भेजा जाता है, टीवी पे डिस्कशन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, और एक व्यक्ति आपका मुकाबला कर रहा है इस रूप में है। और राहुल गांधी के साथ में पूरे देश का कांग्रेस जन कार्यकर्ता आम जनता उनके साथ में पीछे खड़ी है। कि मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार है, आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, इंदिरा गांधी कैनाल हो, गंग कैनाल हो, बागा डैम की कैनाल हो, हमने कोई कमी नहीं रखी है। नालों की मरम्मत का काम है, पानी छोड़ने का काम है, हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री से संपर्क में रहते हैं, जो गंदा पानी आता है मैं खुद गया चंडीगढ़ बात करके आया उनसे, लुधियाना में काम शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में वो समस्या हल होगी। और जो मांगा आप लोगों ने, चाहे महिला कॉलेज मांगी हो, हमारे चौधरी साहब MLA हनुमानगढ़, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज मांगी हो, मेडिकल कॉलेज की बात हुई हो, एक के बाद एक हम लोग वो फैसले करें जो कि आपको आपकी मांगे होती है। पानी चोरी होती थी पहले नोहर भाजा की रातना वित्रिका में पुलों का पानी पहुंच गया, बाजार नोहर का पहुंचा गया, इस प्रकार से जितनी कहीं उत्तराचार का मालूम है वो रखना पड़ता है। आप लोग मैं बात नहीं जाना चाहूंगा, कोरोना का मुकाबला भी आप लोगों का आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, टेस्टिंग हमारे नहीं होती थी, आप 70,000 टेस्टिंग पर डे हम लोग कर रहे हैं, आईसीयू बेड बढ़ गए, वेंटिलेटर आ गए, हाहाकार मचा हुआ है, पता नहीं क्या होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। आज मुझे कहते घर है राजस्थान का प्रबंधन कोरोना का, क्या देश हो या देश के बाहर के मुल्क हो, दुनिया के मुल्क हो, हमारे मॉडल भील बाबा का हो, रामदेनी का हो, हमारी अप्रोच हो, प्रोटोकॉल हो, कोरोना का बहुत शानदार तरीके से प्रबंधन किया गया है। उसी काम से आज कोरोना करीब करीब समाप्त होने की तरफ आ गया है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा हम लोग धीरे धीरे लापरवाही करने लग जाते हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना आज भी आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में इंग्लैंड हो, जापान हो, स्पेन हो, इटली हो, कई जगह दूसरी बार लग गया कोरोना का प्रकोप, पर हमारे नौबत नहीं आए। इसलिए देशवासियों को सहयोग चाहूंगा, जिस प्रकार सहयोग किया उन्होंने कोरोना काल में, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोए, आप लोगों ने कमी नहीं रखी, गांव को, गरीब को, पड़ोसी को किस तरह खाना खिलाया आप लोगों ने, किस तरह उनकी देख रेख करी, पुलिस प्रशासन ने भी काम अच्छा किया और सरकार ने भी कैश और टाइम के अंदर जिस प्रकार से गरीबों को इमदाद करी, मैं समझता हूँ आपके जेल में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपकी सरकार है शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, 5 लाख का बीमा भी किया हम लोगों ने, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी बीमा योजना के माध्यम से, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सिंचाई में, तो लंबी बातें कहने की जरूरत नहीं है। डिग्गियों के निर्माण हमने करवाया, 2.5 लाख रुपए हमने सब्सिडी दी थी, उस वक्त अनुदान दिया था तो बाद में बंद कर दिया, सोलर में हम पंप लगाए थे, सीएसई पेंशन सब्सिडी दी थी वो बंद कर दी गई, फिर भी आप दिमाग में रखें, निश्चिंत रहें, आने वाले वक्त में और भी ज्यादा, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवा की बात हो, जो समस्या आपकी है किसानों की, उस पर पूरा ध्यान देंगे। एक ही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और बात यह है कि चेहरा किसान विरोधी है इंडिया गवर्नमेंट का। आपको याद होगा पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार हमने 150 रुपये बोनस दिया था गेहूं के अंदर,
प्रति क्विंटल। आप बताइए क्या कारण था सरकार बदलने के बाद में मोदी जी गवर्नमेंट आते ही उसको बंद कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट पहला दे रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही थी, क्या तकलीफ थी आपको? आपने रोक लगा दी, कोई राज्य सरकार बोनस नहीं दे सकती। आप सोच सकते हो जिस प्रधानमंत्री की जिस सरकार की सोच ये हो वो कैसे किसानों की बात कर सकती है, उनकी भावना समझ सकती है? आज भावना समझते तो आज ऐसे अल्पाज नहीं बोले जाते जो किसानों के समुदाय में बोले जा रहे हैं। देश के अंदर देश देख रहा है, पूरा देश का किसान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब से हरियाणा से शुरुआत करी थी, शुरुआत राहुल गांधी ने करी थी क्योंकि राहुल गांधी ने हमेशा दूरदर्शी रखी। कोरोना आया था 12 फरवरी में राहुल गांधी ने कह दिया था कि कोरोना पूरे देश में आतंक मचा सकता है, परवाह नहीं करी। 12 फरवरी प्रधानमंत्री करते परवाह, ये कोरोना का प्रभाव ऐसा नहीं फैलता। उनको तो चिंता थी मध्य प्रदेश सरकार कैसे गिराए, उसके बाद में हम लोग रोक लगाएंगे। उस तक लापरवाही हुई, ट्रंप साहब आए गुजरात ले गए उनको नमस्कार, ट्रंप होता गया, कोरोना फैलता गया। अगर राहुल गांधी 12 फरवरी को कहा उसे चलते तो मेरे ख्याल में नौबत नहीं आती, कोरोना तो फैलता भी नहीं। उनको तो कभी कर्नाटक कभी मध्य प्रदेश उसके बाद राजस्थान में प्रयास किए, उनकी जान नहीं गई, वो अलग बात। तो कहना चाहूंगा मैं आपको कि इस प्रकार की जो सोच हो तो कम वो ध्यान लगेगी जनता। इतने एक बार मौका उनको मिल गया, दो बार उनको मौका मिल गया, अब जनता उनकी ऐसी समझ चुकी है। यही बात कहता हूं मैं, उन्हें आप सबको अपील करूंगा आप निश्चिंत रहें, कोई कमी नहीं आएगी आने वाले हम सब मिलकर राजस्थान के चौमुखी विकास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।